स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और श्रीकांत सर के वीडियो को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होंगे। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम घातांक के नियमों का प्रयोग करना सीखेंगे। मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला नियम घातांक का होता है कि एक्स का पावर एम गुना एक्स का पावर एन, ठीक है, बराबर ये हो जाता है एक्स का पावर एम प्लस एन। मतलब ये कि गुना में अगर आधार समान हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है, गुना में अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये घातांक का पहला नियम है। अब जैसे इस पर कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि कैसे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बच्चे फंसते हैं, तो ये सब चीज़ जानना चाहिए स्टूडेंट्स। तो जैसे देखिए, 10 के पावर माइनस 3 गुना 10 के पावर 27। आपको इसको सरल करना है कि यह क्या होगा, तो यहाँ पे घातांक का नियम ही काम करता है स्टूडेंट्स। आपको क्या लिखना है, एक्स का पावर, सॉरी एक्स लिखा गया, सॉरी, रियली रियली सॉरी, यहाँ एक्स के जगह हमारे पास 10 है स्टूडेंट्स, तो हम 10 लिख देते हैं और एम में एन को जोड़ा गया है तो माइनस 3 में 27 को जोड़ा जाएगा, तो माइनस 3 में 27 को जोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 का पावर 27 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 24। तो ये 10 के पावर 24 इसका आंसर हो गया। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं आप, 2 का पावर 3 गुना रूट 2। ध्यान दीजिए, इसको कई एक बार सरल करना पड़ता है बच्चों को और वे अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं कि इसको हम कैसे सरल करें। तो जिन बच्चों का मैथ में बेस ठीक नहीं है वो इस तरह के क्वेश्चन में फंसते हैं और ये सब चीज़ बेसिक विद्या के अंतर्गत आता है, मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। चलिए करके दिखाते हैं इसको। 2 का पावर 3 लिख दीजिए और देखिए बच्चों, ये रूट जब समाप्त होता है तो 2 का पावर बनता है 1/2। अब देख लीजिए, 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 1/2, बस ये तो फॉर्मूला लग रहा है, एक्स के पावर एम गुना एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एम प्लस एन, गुना में अगर बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि 2 का पावर 3 प्लस 3 प्लस 1/2, ये 3 प्लस 1/2 पावर में ही है। अब भिन्न का जोड़ तो आप लोग बनाना जानते ही हैं, तो बना दीजिए, यहाँ 3 के बटा में कुछ नहीं है तो 1, 1 2 का लघु उत्तम ले लीजिए, एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 2 ना 2 तो 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1। इस तरह से आपका जो रिजल्ट आया वह हो गया 2 के पावर 6 और 1 7 बटा में 2। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और आपको करना भी पड़ता है। चलिए तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरे नियम की ओर चलते हैं। अब हम घातांक के दूसरे नियम की ओर आपको लेकर चलते हैं। चलिए तो सेकंड लॉ है आप लोगों का, एक्स का पावर एम भागा एक्स का पावर एन इक्वल टू एक्स का पावर एम माइनस एन। ये है आपका रूल नंबर 2। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि यदि, चलिए पहला नियम को भी यहाँ पर हम घेर देते हैं। जिन जिन नियमों को हम घेरते हैं उसको आप पहले तो अच्छे से याद कर लीजिए और उसके बाद उसका एप्लीकेशन पे मैंने एक एक दो एग्जांपल्स कर दिए हैं, उसको आप अच्छे से देख लीजिए और आपको ये करने आ जाएगा। ये दूसरा नियम है, एक्स का पावर एम भागा एक्स के पावर एन बराबर एक्स के पावर एम माइनस वन। मतलब भाग में अगर बेस सेम हो तब पावर को घटा दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ें। चलिए एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास, जैसे आपको मिल जाए 4 एक्स के पावर 20 वाई के पावर 30 by 2 and
एक्स के पावर टू एंड वाई के पावर टू, और इसका वैल्यू निकालना पड़ जाए कहीं, तो आप सोचो कैसे निकालोगे इसको। यहाँ भी घातांक का नियम लगता है बच्चों, पहले तो दो दूना का चार काट दीजिए इसको, ये कट गया दो बार में। अब देखो एक्स का पावर बीस भागा, बटा का मतलब तो भागा, एक्स के पावर बीस अब भागा एक्स के पावर दो, तो आपका क्या है रूल कि भाग में पावर घटता है यदि बेस सेम हो, तो आपको क्या करना है एक्स के पावर 20 में से 2 घटा के यहाँ पे 18 लिखना है, एंड वाई का पावर 30 भागा वाई का पावर 2, तो वाई का पावर 30 में से 2 घटा के 28 लिखना है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से अगर बेस सेम हो तो आपको क्या करना है भाग में पावर को घटा लेना है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं, 3 × 10^27 / 10^5। इसको सरल करना है आपको तो वही काम कीजिए, 3 × 3 × उतार दीजिए, 10^27 / 10^5, तो 10^ क्या करिए 27 - 5 लिख दीजिए, क्योंकि बेस सेम है 10 10, तो 27 में से 5 को घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बटा है भाग है, भाग है तो पावर घट जाएगा, तो अब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3 × 10^2, जब 27 में से 5 घटाइएगा तो आपको 22 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से घातांक के दूसरा नियम का आपने इस्तेमाल करना सीखा। चलिए तीसरे नियम की तरफ, एक्स का पावर माइनस एम, तो ये हो जाता है 1/(x^+m). चलिए ये रूल नंबर आपका 3 है स्टूडेंट्स, अब इस पर एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको कहा गया 2^-4 कितना होगा, किसी ने आपसे पूछ दिया 2^-4 कितना होगा, आप देखिए एक्स के पावर जब माइनस एम था तो ये 1/(x^+m) हो गया, तो जब 2^-4 है तो 1/(2^+4 हो जाएगा, तो इस तरह से हम लिख पाएंगे 1/(2^4), इसको 4 बार लिख के गुना करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, और इस तरह से आपका हो जाएगा 1/(2^4 × 8 × 16, तो 1/16 इसका आंसर हो गया। तो ये घातांक का तीसरा नियम को हमने समझा, चौथा नियम को समझेंगे। अब है आपका x^0, इसका रिजल्ट 1 होता है, ये घातांक का आपका तीसरा नियम है, चौथा नियम सॉरी। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे आपसे पूछा गया x^(m−n) × x^(n−p) × x^(p−m), इसका वैल्यू निकालने के लिए किसी ने आपसे कह दिया कि x^(m−n) × x^(n−p) × x^(p−m), इसका वैल्यू ज्ञात करिए। तो सबसे पहला नियम के अनुसार आइए, तो x^(m) × x^(n), तो x^(m+n), यानी कि गुना में अगर आधार समान हो, नीचे वाले को आधार और ऊपर वाले को घातांक कहते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब हो गया कि 2^8 लिखा हुआ है, तो इसमें 2 का नाम है आधार, बेस 2 का नाम आधार है, और इसका पावर में 8 है, तो इस 8 का नाम है घातांक, ठीक है। चलिए तो आधार और घातांक भी समझ गए आप लोग। तो यहां पे गुना में अगर बेस सेम हो तो पावर को जोड़ना होता है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो देख लीजिए x x x, यहाँ भी तो आधार समान है और गुना का चिन्ह है, तो इन तीनों पावर्स को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ दीजिए इसको, तो ये हो गया x^(m−n) + (n−p) + (p−m). अब गौर कीजिए m + m- कटेगा ही कटेगा,
एन माइनस एन प्लस कटेगा ही कटेगा, पी माइनस पी प्लस कटेगा ही कटेगा। जब सारे पावर्स कट गए इसका मतलब प्लस माइनस में, तो एक्स का पावर हुआ जीरो, एक्स का पावर हुआ जीरो, और एक्स का पावर जीरो मैंने क्या बताया है वन, इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर हो गया वन। तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपसे किसी ने पूछ दिया दो का पावर जीरो प्लस तीन के पावर जीरो प्लस चार के पावर जीरो इंटू पाँच के पावर जीरो प्लस छः के पावर जीरो का वैल्यू क्या होगा, तो घबराइएगा नहीं कि भाई ये जीरो पावर वाला क्वेश्चन क्या दे दिया हमको। बस आपको याद रखना है कि एक्स के पावर जीरो कितना होता है वन, तो इसीलिए दो के पावर जीरो ये भी वन, तीन के पावर जीरो ये भी वन, चार के पावर जीरो ये भी वन, पाँच के पावर जीरो ये भी वन, और छः के पावर जीरो ये भी वन। इस तरह से एक जोड़ एक जोड़ एक तो ये तीन बन गया, एंड एक जोड़ एक ये दो बन गया, और तीन दूना कितना हो गया छः, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज का ये छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत कीमती है, तो आपको इसी तरह का हम नॉलेज वाला वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये वादा है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज का। चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे चैनल को, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखते रहें, अपना प्यार दें, एंड आप अपने समस्या को कमेंट के जरिए शेयर करें और उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाकर साफ़ सुथरा ढंग से आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद।